बच्चे देखो जरा जरा बच्चे बहुत परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? रोक लेते और लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लड़कियों को हिलने नहीं देते, धक्का देते आपस में जैसे उनके घर में माँ बहन ही नहीं है। यहाँ से वहाँ से बच्चों को लेके यहाँ से नू जाना पड़ता है पैदल वालों को, जिन पे गाड़ी हो तो गाड़ी लेके चले जाते हैं, पैदल वाले उसे पता कैसे लेके जाता है। सारे काम होते हैं, बच्चे कोई गिर जाल लग जाए किसी के कोई कहा करेगा ये बताओ। तीन लड़कियों के चोट लगी है, पता है आपको? हाँ चोट लगी है हॉस्पिटल। हमारे सामने की बात है, सरपंच हम देखता है, बोल भी ना रही लड़की। अरे बहुत दिक्कत है, किन-किन बच्चों को लेकर आए हैं बच्चे हमारे, कब जाते हैं भी जाते हैं। कितने बजे होती है छुट्टी, कितने बजे होती है? सरकारी की तो जैसे 12:30 होते, तो 1:30 बजे लड़कों की कर दो, ये नहीं 1:30 बजे कर दो उनकी क्लास, तो थोड़ा सा ये रास्ता साफ हो जाएगा। बच्चे देखो जरा जरा बच्चे बहुत परेशानी होती है। छुट्टी आगे कुछ बोलोगे बेटा आप? क्या नाम है आपका? त्रिशा। त्रिशा खुलवा दो थोड़ा सा, एक को नहीं सबको परेशानी है, यहाँ से वहाँ से बच्चों को लेके यहाँ से नू जाना पड़ता है पैदल वालों को, जिन पे गाड़ी हो तो गाड़ी लेके चले जाते हैं, पैदल वाले उसे पता कैसे लेके जाता है, उसे दिक्कत है पैदल वाले को, किसी और को दिक्कत नहीं है। पैदल वाले निकल ही नहीं पाता, शाम से निकल जाते हैं बच्चों को छोड़ जाते हैं। उनका टाइम होने से पहले ही लौंडे यहाँ इतने सारे खड़े हो जाते हैं, हिलते नहीं है बिल्कुल भी। परसों 2-3 दिन पहले 3-4 बच्चे घायल हुए हैं, ये पक्का कन्फर्म। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, वह दोनों खड़े हो जाओ आराम से निकल जाएंगे सब जने। लड़के जो खड़े होते हैं वो तो स्कूल के नहीं होते, या स्कूल के भी होते हैं कुछ वैसे भी होते हैं, ये गली मोहल्ले के होते हैं सारे। मैं अपनी लड़की को मैं सोचता हूँ ये पड़ोसन जा रही है, मैंने कहा मेरी बेटी को साथ लेके चली जाइयो, ये चीजें होती है, लेकिन हर वक्त आदमी क्या फायदा यार, लड़ाई दंगे दंगे फसाद होंगे फिर बहुत बुरी तरह दंगे। वीडियो के माध्यम से आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो क्या चाहते हो यहाँ, दूसरा रास्ता चाहते हो? या किसी का मैटर नहीं होता, अच्छी बात है दूसरा रास्ता बन जाएगा, इससे अच्छी क्या बात है, सबको सुविधा हो जाएगी, हमें क्या सबको हो जाएगी। आपका बच्चा पढ़ता है कोई? मेरा बच्चा पढ़ते हैं, मेरे तीनों बच्चे जमुना बिहार में पढ़ते हैं, आने में बहुत दिक्कत होती है, अभी इतनी भीड़ है, लेकिन स्कूल टाइम पे आके देखना क्या बुरा आलम होता है यहाँ पे। रोक लेते और लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लड़कियों को हिलने नहीं देते, धक्का देते आपस में जैसे उनके घर में माँ बहन ही नहीं है, और हाथ में ब्लेड मिलेंगे तुम्हें। प्रशासन हमारा खराब नहीं है, बहुत अच्छा है हमारा प्रशासन, बस उस तक बात तक नहीं पहुंच रही, प्रशासन तक हमारी बात नहीं पहुंच रही। एक मेन पॉइंट, यहाँ पे कैमरा भी होना चाहिए, ये कैमरा सबके लिए सुविधा है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। 4-5 कैमरे लगने चाहिए जैसे और जगह लगे हुए, इधर भी लगने चाहिए, ये तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास कॉलोनी कर रखी जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। बस मेहरबानी करके ये हमारी बात वहाँ तक पहुँचाओ, आपका एहसान होगा। फ्लाईओवर पर से बच्चे उतर के आते हैं, C2 के C1 के कोई से भी आते हैं, जो मुस्तफा से बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें यहाँ पे फ्लाईओवर से उतरते के साथ ही मारते हैं, कोई बेल्ट में जाके जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। कल मेरे परसों बड़े बच्चा कोई मारा बहुत, अभी शिकायत करके आई हूँ स्कूल में, तो वो कह रहे हैं स्कूल की तो वो ले सकते हैं हम, बाहर थोड़ने कर सकते हैं फ्लाईओवर के नीचे, क्या हम जाओ देखने के लिए? मरा है दर्द उसको पता है, पुलिस वाले यहाँ खड़े होते हैं बस, यहाँ पे किन होते और यहाँ किन होते, वहाँ किन होते, अगर रेड लाइट है रेड लाइट तोड़ के गाड़ी निकलती है, बच्चा निकल रहा है, यहाँ जो ये पुलिस वाले खड़े होते हैं ये उनकी ड्यूटी यहीं पर है, फ्लाईओवर पे नहीं। सबको पता है स्कूल के बच्चे निकलते हैं उस टाइम पे, गाड़ी रुक जानी चाहिए, रेड लाइट है तो रेड लाइट पे गाड़ी रुकनी चाहिए, गाड़ियाँ रुकती ना, लेकिन बच्चों को लेट हो रहे हैं, बच्चों कोई बच्चा जल्दी है कोई लेट है, ऐसे निकलते हैं, क्यों ना देखता कोई। अभी तक आपने प्रशासन तक ये बात नहीं पहुंचाई, मीडियो के माध्यम से ये बात पहुंचेगी, तब यहाँ प्रशासन कुछ ना कुछ जरूर करेगा, प्रशासन हमारा बहुत अच्छा है। हम ये चाहते हैं बस सामने का गेट खोल दिया जाए, कट खुल जाए, ये कट खुल जाएगा ना, हमारे बच्चों को सुविधा हो जाएगी थोड़ी, हमारी बीवी हमारे बच्चे जो जाते हैं वो अपने वहाँ से लेके निकल जाएंगे, इतना लंबा, हमारे बच्चे भी छोटे हैं, यहाँ से लेके इतना लंबा राउंड काट के नू जाना पड़ता है,